गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई ब्लॉग में, एक नई दिन एक नई सोच के साथ। आज है सोमवार और पिछले कई दिनों से मैं घूमता आ रहा हूँ बेंगलोर में, कभी केयर मार्केट, कभी मैजेस्टिक, कभी आतिबली, कभी चंदापुरा, कभी माराथाली। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और आज की अपडेट ये है कि ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम है और आज की ब्लॉग में मैं डिसाइड करूंगा मेरे यूट्यूब की जर्नी के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ मेरी ब्लॉग में। तो भाई हम बैचलर हैं, हम काम भी करते हैं, खाना भी पकाते हैं, देख सकते हैं मैं अभी आलू का फ्राई बना रहा हूं, तो उसके साथ चावल है, दही है और आलू का फ्राई है, यही आज मेरे लिए लंच। कहाँ गया रे नमक 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 नमक, ये रहा नमक। इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, ये पकते पकते हम हमारी काम भी कर लेंगे। हाँ इतना ही नमक काफ़ी, ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, ज़्यादा वाला नहीं चाहिए। आज की मौसम अच्छा खासा धूप हो रखा है, मतलब कि अभी धूप होगा, दोपहर में बारिश। देखते हैं ये कौन है। अरे यार हमारी दोस्त सोए हैं क्या भाई, क्या हाल है? ओह ओह माय गॉड, ओ पूरा बिजी है भाई। यार मंडे का दिन काम बहुत ज़्यादा हो रखा है, अभी खाना बनाना है, खाना बन चुका है। चलो ठीक है, आज मैं काम ही कर लेता हूँ, खाना बाद में खाऊंगा, नहाऊंगा बाद में, पहले काम कर लेता हूँ, खाना नहाऊंगा बाद में खाना खाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। गाइस मैं तो नहा चुका हूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई सेम कपड़े, अरे भाई कल रात को ही पहना था, 10 बजे नहाया था ना वर्क करने आने के बाद, तो ये कल का ही कपड़ा है। तो लंच दिखा देता हूँ आज क्या है। तो आज लंच में है ये दही और ये आलू का फ्राई और ये चावल। तो दोस्तों लंच भी हो गया है और मैं ऑफिस का काम भी कर चुका हूँ और सोच रहा हूँ कि अभी मार्केट जाने के लिए थोड़ा सब्जी लाना है, तेल, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर चलेगा और हैंड वॉश लाना है, साथ ही साथ और भी कुछ लाना है, तो बनी रही मेरे यार। अगर आप बैचलर है तो बहुत सारी चीज़ें करना पड़ेगा, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, मेरे जैसा भी सब्जी लाने जाना, ऑफिस का काम करना, घर का साफ सफाई, सब कुछ, पैसा मैनेजमेंट, घर को पैसा देना। एनीवे बहुत अच्छा लगता है जब बैचलर होते हैं, ज़िंदगी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं, इंतज़ार तक इसलिए कम करते हैं। मेरे लिए मेरे लाइफ तो झिंगा लाला, मतलब कि मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, ना किसी की परवाह, ना किसी ने मेरे लिए इंतज़ार करेगा, ना मैं किसी के लिए, बस खाओ पियो सो, जो मन करे वो करो, आज जहाँ मन करे घूमने के लिए जाओ घूमो। सोच रहा हूँ कि पहले कैश विड्रा कर लेते हैं उसके बाद मार्च कर लेते, क्योंकि मेरे पास अभी कैश है ही नहीं। पिछले 3 मिनट में बंदा वहाँ पे है, पता नहीं राम मंत्र बजे वहाँ पे जप रहा है या फिर क्या कर रहा है, जल दिया भाई। पैसा तो निकाल लिया, अभी चलते हैं डीमार्ट के और वहाँ से कुछ खरीदेंगे, जैसे कि मुझे चाहिए था एक हैंड वॉश और एक नारियल का तेल, वहाँ पे खरीद रहे थे, बस इतना ही। किसी भी समय पे आए यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि भी नहा धो के आया था, अभी पूरा धूल मिट्टी हो गया हूँ। गया हूँ मार्केट के अंदर, पहले उसको लॉक करना है। सारे लोग बोलेंगे ये मास्क ना निकले, पहले ही डाल देते हैं। मॉल के अंदर तो आ गए, अभी ढूंढते हैं हमारी सामान। सॉरी वीडियो भाई पंगा हो गया, अभी बोल रहे हैं कि वीडियो अलाउड नहीं यहाँ पे, तो ठीक है हम नहीं करते हैं।
हाँ हमारी सामान यहाँ से ले लेते हैं। और ये रहा दूसरा, पूरा 160 का हो गया बिल, चलेगा मेरे लिए तो आज के लिए काफ़ी है। चलो ठीक है, कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद सीधा सब्जी मार्केट जाते हैं, कुछ सब्जी खरीदते हैं, उसके बाद सीधा घर चलते हैं। खाने के सामान कुछ भी पसंद है यहाँ, इसलिए मैं सीधा जा रहा हूँ सब्जी खरीदने के लिए। वहाँ पे देखते हैं कुछ है तो खाने के लिए, वहाँ खा लेंगे। आया तो चल के अभी जा रहा हूँ बस में, जाने में भी बहुत समय लग जाए, तो 5 रुपया का टिकट है तो अभी इसलिए बस में जाना। तो मेरे रिश्तेदारों को कॉल आया था अभी, सब्जी उन्होंने खरीद के ले लेंगे तो मुझे सब्जी लेने का ज़रूरत नहीं है अभी। तो घर तक तो पहुँच गया हूँ, घर जाके अभी खाना बनाना है और उसके बाद दौड़ने आना है। ये मौसम देखो, मौसम देख के मुझे नहीं लगता कि आज जाना संभव है, अगर हो सके तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी समय बजा है 6:30 और हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। बारिश की खातिर हम हमारे साथ छाता लेके जा रहे हैं। तो सब्जी लेके खाना बना चुका हूँ, ऑफिस का काम इतना है ही नहीं, तो वॉक के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और देखते हैं क्या नज़रिया मैं आपको दिखा पाता हूँ। तो दोस्तों मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगा बैचलर लाइफ द बेस्ट लाइफ। कोई आपकी ज़िंदगी में हो या ना हो, कोई आपको पूछे या ना पूछे, आप जो कर रहे हैं वही करते जाइए। मैंने जब मेरे करियर शुरू किया था तभी मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था, ना मम्मी ना पापा ना भैया, ना मेरे पास कुछ पैसा था, कुछ नहीं, बस मैं खुद की सपोर्ट से यहाँ तक आया हूँ। प्लस टू ख़त्म हुआ तभी मेरे पास कुछ था ही नहीं, मतलब कि मेरे था दिशाहीन, लक्ष्यहीन, करने के लिए पढ़ने के लिए पता नहीं मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। फिर भी मैंने सोचा कि ग्रेजुएशन कर लूँगा और ग्रेजुएशन कर लूँ। डाउट हो रहा था मैं क्या कर पाऊँगा, ग्रेजुएशन पास होगा कि नहीं। मैं ग्रेजुएशन फेल हुआ था पहला साल, बाद में फाइनल ईयर में सारे क्लियर कर दिया था और ग्रेजुएशन के बाद मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। मैंने स्ट्रगल करते 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 यहाँ तक पहुँच गया आज। तो मैं मेरी ज़िंदगी में हमेशा बैचलर रहना चाहता हूँ, ना मेरे साथ किसी के साथ, या मैं किसके साथ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली और फाइनेंशियली अटैच नहीं हूँ। जो मेरे पास है उसके साथ मैं जीता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो करते आ रहा हूँ, और जितने भी पैसे मेरे साथ है वो काफ़ी है मेरे लिए ज़िंदगी जीने के लिए। तो मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, या फिर कोई मेरे लिए है नहीं जो कि मेरा परवाह करूँगा, तो एज सिंपल एज इट। तो दोस्तों ये था कुछ मेरी बैचलर लाइफ के बारे में, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।